हेलो गाइस, वेलकम टू हैबी कोडिंग। एक्मस क्रिएट ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। सो गाइस, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी एक पेज ले लिया है वेरिएबल्स डॉट एच टी एम एल के नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एक स्क्रिप्ट टैग जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए यूजफुल होता है। इसी टैग के अंदर ही हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं एक्मास्क्रिप्ट में। तो जब हमने वनीला जावास्क्रिप्ट करी थी, जो हमारी कोर जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर जब भी हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेर, और यहाँ पर जो भी उसका वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसमें हम अपने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं हैवी कोडिंग, तो इसको हम क्या करते हैं एज अ कंसोल में चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल के अंदर मैं इस नेम नाम के वेरिएबल को चेक करूँगा। तो चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पे, और मैं करता हूँ इसका रिफ्रेश। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर अपने कंसोल में, और कंसोल में जैसे ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, हमारे पास वो वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो अभी तक हमने इस तरीके से इस वेरिएबल को क्रिएट करा, बट एक्मास्क्रिप्ट के अंदर दो यहाँ पर तरीके और है वेरिएबल्स बनाने के। पहला है यहाँ पर लेट, दूसरा है यहाँ पर कॉन्स्ट। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो चलते हैं इसी को देखते हैं। तो जो हमारा लेट यहाँ पर वेरिएबल है ना, उसके अंदर एक मेन डिफरेंस है। वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे वेर नेम इक्वल्स टू यूट्यूब, और यहाँ पर मैं इसको सेव करके फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, यूट्यूब। तो इसमें क्या करा है मैंने, सबसे पहले तो वेरिएबल को रीडिक्लेयर करा है और इसकी वैल्यू को रीअसाइन करा। मतलब अगर आप एक बार इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं तो वेर के अंदर क्या होता है, दोबारा से उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसकी वैल्यू को रीअसाइन भी किया जा सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर नेम इक्वल्स टू फिर से यहाँ पर कुछ भी दे दूँ, और यहाँ पर करता हूँ इसको सेव, और एक बार ब्राउजर पर आते हैं, तब जैसे यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, बट लेट के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस है। तो पहला तो हो गया यहाँ पर वेरिएबल का, कि वेरिएबल ऐसे बनता है। अब सेम चीज मैं इसको लेट के हेल्प से करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट। तो अब बनाते हैं वेरिएबल एज अ लेट। तो ऊपर वेरिएबल बनाने के लिए हम वेर का यूज करते थे, और अब एक्मास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए हम लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो लेट के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम, और नेम हम सिंपली वही सेम वैल्यू रिपीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर, आप इसके अंदर इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लेट नेम करता हूँ और ऊपर का बाकी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और अब चलते हैं यहाँ पर लेट नेम करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ हैवी कोडिंग, यहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। बट अब इसको क्या हम री डिक्लेयर कर सकते हैं, तो अगर मैं करता हूँ लेट नेम इक्वल्स टू यूट्यूब, तो ये यहाँ पर री डिक्लेयर होगा या नहीं होगा। तो चलते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो बता रहा है अनकॉट सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो अब ये इसका मेजर डिफरेंस है वेर और लेट के अंदर, कि हम इसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते इस वेरिएबल को। तो अगर हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम इसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू को रीअसाइन कर रहा हूँ, बट रीडिक्लेयर तो कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ इसकी वैल्यू को दोबारा से रीअसाइन कर रहा हूँ। वेरिएबल बन चुका है, उसकी वैल्यू रिप्लेस करके अब मैंने डाल दी कुछ भी। चलता है यहाँ पर ब्राउजर पर, जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रही है मेरे पास कुछ भी वैल्यू। तो यहाँ पर अब एक मेजर डिफरेंस क्या हो गया वेर और लेट में, कि भाई इसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते बट रीअसाइन इसकी वैल्यू को कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे वेरिएबल की तरफ, ये है हमारे पास कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल। तो कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, तो अब इसके यहां पर दो मेजर डिफरेंस है। वो क्या है कि सबसे पहले बना लेते हैं कॉन्स्ट नाम से, इसका मतलब है यहां पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मतलब ये अनचेंजेबल वैल्यू है। अगर आप कोई भी कैलकुलेटर बना रहे हैं या कोई भी जीएसटी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो अगर आपको कोई वैल्यू है उसको बार बार चेंजेबल नहीं करनी है, तो आप यहाँ पर कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू हैवी कोडिंग, रिफ्रेश करता हूँ तो वैल्यू आ रही है यहाँ पर। बट अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इसको रीडिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू यूट्यूब, तो क्या ये चलेगा? मैं करता हूँ इसको सेव और रिफ्रेश करता हूँ, इसके अंदर सेम फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है।
आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब इसको भी आप यहाँ पर दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, जैसे हम लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट लेट को हम रीअसाइन कर सकते वैल्यू, बट कॉन्स्ट के अंदर हम वो भी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार वैल्यू दे दी है तो उसके बाद वो कॉन्स्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब मैं इसको रीअसाइन कर चुका हूँ वैल्यू, और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब ये बता रहा असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल कि भाई आप कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते हो अगर आपने कॉन्स्टेंट का यूज किया है तो। तो ये तो था इन तीनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस। एक दूसरा डिफरेंस और है इसके अंदर वेयर, लेट और कॉन्स में, वो क्या चीज है? तो अब वो ये है कि अगर आप इसको जो इनका स्कोप है ना वो क्या है, एक तो ग्लोबल है और एक है यहाँ पर ब्लॉक स्कोप। तो इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब एक कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पर कि इफ यहाँ पर मैं दे देता हूँ वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू ट्रू कर सकते हैं, इफ ट्रू कर सकते हैं, मतलब ये चलनी चलनी है यहाँ पर ट्रू। और कंसोल के अंदर मैं कट करके यहाँ से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सिंपली यही वाला वेरिएबल उठा लेते हैं, वेयर नेम इक्वल्स टू हैवी कोडिंग, और यहाँ पर कर लेते हैं इसको पेस्ट। अब चलते हैं यहाँ पर ब्राउजर में, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हैवी कोडिंग यहाँ पर मेरे पास लिखा आ रहा है। अभी कंडीशन चल कैसे रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसमें लिख दिया भाई ट्रू है, ये कंडीशन ही ट्रू है, ये मैंने लिख दिया। आपको पता है यहाँ पर ट्रू फॉल्स ही चलता है, या वन इक्वल टू वन लगा सकते हैं आप, कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली दे दी ट्रू कि भाई ये चलनी चलनी कंडीशन। तो अब मेजर यहाँ पर मुझे आपको बताने का डिफरेंस क्या है कि ये जो है ना ये होता है ब्लॉक स्कोप। अगर इसके अंदर हम किसी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो उसका होता है ब्लॉक स्कोप, बट अगर इस कंडीशन के, इफ कंडीशन के बाहर अगर मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूं, मतलब मैंने अगर इफ कंडीशन के अंदर एक वेरिएबल बना दिया नेम नाम से और इसको मैं इस ब्रैकेट्स के बाहर यूज कर रहा हूं, तो उसका जो स्कोप है ना वो है ग्लोबल स्कोप, मतलब पूरे पेज पर रन होगा। रिफ्रेश करता हूं यहां पर तो कोई भी इशू नहीं है, हैवी कोडिंग फिर से प्रिंट हो रहा है। मैं यहां पर फिर से कुछ आपको करके दिखा देता हूं प्रिंट, और चलते हैं रिफ्रेश तो हैवी कोडिंग बन आ गया। बट अब लेट और कॉन्स्ट के अंदर ये सिनेरियो नहीं है, इसका जो है ना वेरिएबल का ये क्या है, ग्लोबल स्कोप है, मतलब ये पूरी स्क्रिप्ट के अंदर रन करेगा। यहाँ पर अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं इसकी वैल्यू, इसके बाहर भी रन करेगा। ऐसे मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ लेट, और इसको कर लेते हैं यहाँ पर सेव। अब वन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और लेट मैंने यहाँ पर कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पर ब्राउजर में, और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी तो यहाँ पर हैवी कोडिंग बना रहा है। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और एक न्यू टैब के अंदर इसको कर लेते हैं ओपन, और चलते हैं यहाँ पर F12 में यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर इसकी शो नहीं हो रही है। अगर मैंने यहाँ से लेट के अंदर यूज़ करा हैवी कोडिंग को, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू इसकी शो नहीं हो रही है। और सेम ही चीज़ अगर मैं कंसोल को उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ, इस ब्लॉक के अंदर रख देता हूँ, और चलता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो वो वैल्यू यहाँ पर बाहर अंदर एक्सेस हो रही है। तो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट के अंदर कि अगर हम ब्लॉक स्कोप का यूज़ कर रहे हैं तो वो उसी के अंदर वैल्यू देगा, बट अगर हम ग्लोबल स्कोप से चला रहे हैं तो उसकी वैल्यू को वहाँ पर वो एक्सेस नहीं करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर है हमारे पास कॉन्स्ट के अंदर। तो अगर हम यहाँ से कॉन्स्ट की वैल्यू भी सेट कर रहे हैं और इसको करा रहे प्रिंट, तो यहाँ पर अभी वैल्यू क्या आ रही है, प्रिंट हो रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस कंसोल को मैं बाहर लेकर जाता हूँ, ब्लॉक स्कोप के बाहर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर वो वैल्यू एक्सेस हम नहीं कर सकते। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर ECMAScript में दोनों वेरिएबल्स का यहाँ पर क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। पहला तो ये है कि हम इसको रीडिक्लेयर और यहाँ पर हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट इसकी वैल्यू को रीडिफाइन कर सकते हैं। और कॉन्स्टेंट के अंदर ना ही हम यहाँ पर रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। और दूसरा मेजर डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो वेरिएबल होता है उसका यहाँ पर ग्लोबल स्कोप होता है पूरे स्क्रिप्ट के अंदर, और कॉन्स्ट और लेट हम यहाँ पर उसके ब्लॉक स्कोप के अंदर ही उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर गाइस कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।